सीरियल चंद्रनंदिनी के बीते एपिसोड में दिखाया गया था कि किस तरह से नंदिनी बार बार अपने मकसद में नाकामयाब हो जाती है, किस तरह से वो हर बार विषकन्या विशाखा का सच सामने लाते लाते रह जाती है। लेकिन विशाखा के कांपते हुए हाथों ने, कांपते हुए होठों ने नंदिनी को वो बता दिया है जिसका पता न जाने वो कब से लगाना चाह रही थी। और उसके बाद सपेरी की बातों से भी नंदिनी को समझ में आ चुका है कि विशाखा एक विषकन्या है। अब आपको बता दें कि चंद्र ने भी चला है कोई ऐसा षड्यंत्र जिसके बारे में आज तक आपको कोई भनक भी नहीं लगी। हम लगातार आपको बता रहे थे कि अनुमान कुछ ऐसे ही हैं कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य भी चल रहे हैं कोई चाल। खैर, आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, किस तरह से खुलेगा हर राज। नंदिनी दादी माँ से कहेगी कि वो उसे महल से जाने का आदेश दे और सबके सामने उसे महल से निकल जाने के लिए कहे। और फिर नंदिनी के दिमाग में चल रही है कोई साजिश। इसके साथ ही चंद्र नंदिनी से कहता है कि वो इस विवाह का आनंद ले, उसके बाद ही वो जाएगी। लेकिन यहाँ नंदिनी ने कह दिया है कि जब ये विवाह होगा तभी तो वो आनंद लेगी। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि चंद्र किस आनंद की बात कर रहा था और नंदिनी विवाह रोकेगी तो कैसे रोकेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू और आगे आने वाले एपिसोड की डिटेल्स पाने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। साथ साथ आपको प्रमोस की भी ज्यादा जानकारी। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।